दोस्तों, मालवेयर तो आपने तरह तरह के सुने होंगे। तो ऐसे में आज के वीडियो में हम ऐसे मालवेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कहा जाता है वर्म। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होता है ये वर्म, ये कैसे काम करता है, अगर ये सिस्टम में हमारे आ जाता है तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्म क्या होता है। तो देखिए, वर्म एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर मालवेयर प्रोग्राम है जो खुद को रेप्लिकेट करता है। तो ये बात निकल के ये आता है, स्टैंड अलोन क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम है ये समझ में आता है, ये एक मालवेयर है यानी बुरी चीज़ है ये समझ में आता है, स्टैंड अलोन क्या होता है। तो देखिए, जो वायरस होता है वो कैसे काम करता है। बेसिकली वायरस किसी एप्लीकेशन के साथ अटैच होता है, किसी फाइल के साथ होता है। जब हम उस एप्लीकेशन या फाइल को यूज़ करते हैं तो वो वायरस ट्रिगर हो जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है। ऐसे काम करता है वायरस, यानी उसको एक होस्ट फाइल चाहिए, एक होस्ट एप्लीकेशन चाहिए काम करने के लिए, तब वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये होता है बेसिकली वायरस। तो ये जो बात निकल के आती है कि स्टैंड अलोन क्या होता है, तो देखिए, स्टैंड अलोन का मतलब ये होता है कि ये जो वर्म है ये स्टैंड अलोन है, मतलब इसको किसी भी होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद में एक होस्ट फाइल है। यानी कि ये जिस कंप्यूटर सिस्टम में चला जाता है उसको ही एज ए होस्ट यूज़ करने लगता है, इसको किसी फाइल की ज़रूरत नहीं होती है अपने होस्ट करने के लिए, जिसमें जाता है उसी को एज ए होस्ट वो यूज़ करने लगता है। इसीलिए इसे कहा जाता है स्टैंड अलोन कंप्यूटर मालवेयर प्रोग्राम। बेसिकली यही होता है वर्म। वर्म की एक खासियत होती है, ये खुद को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब खुद की कॉपी बनाता है, यानी एक वर्म से बनाएगा एक और वर्म, यानी दो वर्म, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, और ये कभी रुकते नहीं है, लगातार बढ़ते जाते हैं। तो बेसिकली यही होता है एक वर्म, और इसका ये बिहेवियर लगातार चलते जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, ऐसे जाते रहता है। बेसिकली वर्म जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे काम करता है, यानी ये टाइम के साथ अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता जाता है। तो अब बात करते हैं ये जो वर्म है ये हमारे सिस्टम में आता कैसे है और ये काम कैसे करता है। तो फॉर एग्जांपल, आप कहीं जाते हैं किसी वेबसाइट पे, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, जो कि पॉपुलर नहीं है, वो फेक वेबसाइट भी हो सकता है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कोई पायरेटेड वगैरह एप्लीकेशन जो होते हैं, पायरेटेड टोरेंट वगैरह फाइल से, वो सब आप डाउनलोड करते हो, या इधर उधर के साइड से आप डाउनलोड कोई भी चीज़ करते हो, उसके साथ आपके सिस्टम में कंप्यूटर वर्म आ सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में कंप्यूटर वर्म जो है, मेलिशियस प्रोग्राम, वो आ जाता है। तो बेसिकली ये काम ऐसे करता है, वो खुद को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, यानी एक से दो, दो से चार, आठ से दस, ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते। और सबसे बड़ी खासियत इसकी यह है, यह नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है, और इसको कोई भी होस्ट फाइल नहीं चाहिए, होस्ट सिस्टम नहीं चाहिए, इसको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में ही काम करते रहता है। इसका बस एक ही काम होता है, फैलना, ये खुद से फैलते रहता है, फैलते रहता है, फैलते रहता है। वैसे में ये काम में लेता है हमारे इंटरनेट कनेक्शन को फैलने के लिए। आपका सिस्टम में आ जाता है, एक से दो, दो से चार से है, तो पूरा सिस्टम का भर देता है, आपके सिस्टम का प्रोसेसिंग स्पीड खा जाता है, प्रोसेसिंग पावर खा जाता है, हर चीज़ कंज्यूम कर जाता है, चाहे पावर हो, रैम हो, ये हर चीज़ को यूज़ कर लेता है। और उसके बाद, और अगर आपके सिस्टम के नेटवर्क में कोई और डिवाइस पे कनेक्टेड है तो वो नेटवर्क से ट्रैवल करते ही उसको पास भी पहुंच जाएगा, वहाँ भी बेसिकली यही काम करता है, यानी इसका एक ही काम होता है, बस ये फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। ऐसे में सारा आपका डेटा ख़त्म कर सकता है, सारा कनेक्टिविटी, बैंडविड्थ वगैरह सब कुछ कंज्यूम कर लेता है। बेसिकली यही होता है, वो ये ऐसे ही काम करता है। तो अब बात करते हैं कि इससे हमारा क्या लॉस है। तो देखिए, ज़्यादातर वर्म जो होते हैं वो बेसिकली स्प्रेड करने के लिए फैल जाते हैं, जिस वजह से होता है बैंडविड्थ कंजम्पशन होगा आपका, आपके सिस्टम में प्रोसेसिंग पावर कमज़ोर होगा, बैंडविड्थ कंजम्पशन तो होता ही है, साथ में आपका नेटवर्क जैम भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली यही काम करते हैं वर्म्स। लेकिन कई वर्म्स में आपको ये भी देखने को मिलता है कि उसमें कोई पेलोड का कोड है जो कि आपके सिस्टम में बैकडोर ओपन कर देता है। अब जब बैकडोर ओपन हो जाएगा तो वहाँ से आपके सिस्टम में ट्रोजन, इन तरीके के और भी सारे वायरस आ सकते हैं, यानी कि एक तरह से आपके सिस्टम में एक और रास्ता खोल देता है बाकी सारे मालवेयर्स को आने के लिए। ऐसे ही वर्म्स भी ऐसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। और एक बार अगर वर्म आपके सिस्टम में आ जाता है, आपका सिस्टम वर्म से इन्फेक्टेड हो जाता है,
तो आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देगा, क्योंकि वो खुद को इतना ज़्यादा रिप्लिकेट करेगा, इतने ज़्यादा अपने आप को रिप्लिकेट करेगा कि आपका सारा कंजम्पशन जो है कि पावर का, या फिर जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटिंग पावर है, सब कुछ उसी में लग जाएगा। आपका सिस्टम बाकी टास्क को परफॉर्म करेगा नहीं, ऐसे में आपका सिस्टम हो जाएगा काफ़ी स्लो और बंद पड़ जाएगा। तो बेसिकली यही काम करता है वर्म, और यही सब होता है लॉस अगर सिस्टम में आ जाता है। उसके अंदर कोई पेलोड का जो है कि कोड भी है, पेलोड आ जाता है तो उसके साथ आपका बैकडोर ओपन हो जाएगा सिस्टम में, तो फिर बाकी वायरस भी इजीली आ सकते हैं, और बाकी मालवेयर जितने सारे ट्रोजन हॉर्स हैं, ये सब चीज़ें बाकी भी आ सकती हैं। तो ऐसे में आपके लिए काफ़ी और भी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो सवाल ये है कि इनसे बचे कैसे है? तो बेसिकली मैं हमेशा आपके लिए बात करते रहता हूँ, इसे बचने के लिए अच्छा सा एंटीवायरस एंटी मालवेयर प्रोग्राम को रखना चाहिए सिस्टम में, किसी थर्ड पार्टी के वेबसाइट पर जाने से बचना चाहिए, ट्रस्टेड वेबसाइट है तो इनसे कुछ डाउनलोड करना चाहिए, इधर उधर चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो कोई भी मालवेयर, वायरस और वर्म इस तरीके से बचने के लिए। तो बेसिकली यही है गाइस, वर्म मैंने आपको पूरा इजीली समझा दिया क्या होता है वर्म, ये कैसे काम करता है, सिस्टम में आ जाता है तो कैसे इन्फेक्ट हम हो जाएंगे और भी नई नई चीज़ों से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इतना ही, उम्मीद दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। चाहते हैं किसी खास को वीडियो देखना वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मैं अपने लाइव वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।